उस बहन को वहाँ पे पहले तो ये दुख था कि तेरा भाई नहीं है, कोई आएगा या कोई नहीं आएगा, पर एक इतने लोग पहुंचे तो वो उस खुशी के उसके आंसू भी थे। इठराना गांव में पहुंच चुके हैं जहां मीरा का पीहर है, और उस कुटिया में भी गए थे जहां पर उसके भाई की समाधि है। तो ऐसे में इन गांव वालों ने भरोसा दिलाया था कि आप बहन चिंता ना करें, जैसे नरसी का भात भरा गया था वैसे ही तेरा भी भात भरने आएंगे, बड़े गाजे बाजे के साथ, बड़े डीजे के साथ, और एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है, 11 लाख रुपए का भात भरकर आए हैं। पूरा गांव राम गया था डीजे के साथ। तो ऐसे में अभी गांव के लोग हैं, इन्होंने एक मैसेज भी दिया है, नरसी का भात भरा गया था उसी तरह से मीरा का भात भरा गया है। आइए जानते हैं गांव के लोगों से क्या कुछ इनका कहना है उस भात के बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? अनीप जी। अनीप जी, आपके गांव का एक चर्चा का विषय बना हुआ है, जैसे नरसी का भात चर्चा का विषय बना था, तो ऐसे मीरा का भात है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। तो पूरा गांव वहां पहुंच गया, यहां गांव में आई थी, तिलक निकाल के गई थी मंदिर पे, समाधि पे, समाधि पे, तो पूरे गांव को पता पड़ा। क्योंकि फिर गांव वाले बोले थे रोका क्यों नहीं उसको, तो वो चली गई थी। महाराज जी को पता नहीं था इस चीज का, ये इसकी बहन है। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद में पता चला, पूरा गांव उलट गया था। बोलते हैं हम जाएंगे भात लेके। अच्छा। तो पूरा गांव मेहनत करके 11 लाख रुपए का भात भर के आए। बिल्कुल, हमारे गांव की आज कहीं पे सोशल मीडिया में देखे या अखबारों में देखे, प्रिंट मीडिया में देखे, तो हमारे गांव का एक चर्चा है, और चर्चा वो इस बात के लिए है कि जो एक बहन जिसका भाई और बाप यहाँ पे नहीं थे, वो एक्सपायर हो गई, और गांव ने ये ठाना कि मतलब एक वो जो सतयुग के अंदर जो भात था और एक आज कलयुग के अंदर जो नरसी का भात भरा गया है, वो पूरे गांव ने जोर शोर से और सभी ने मतलब ये समझा कि हमारी बहन है, और उसको उसके गांव तक पहुंचे हैं, अपने खर्चे पर पहुंचे हैं, धीरे धीरे करके पूरे 10 लाख रुपये गांव ने इकट्ठा करके वहाँ पर लगा के इस बात की वजह से पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया के अंदर ये मैसेज गया है कि आज भी इंसानियत जिंदा है, आज भी बहन और भाई का प्यार जिंदा है, आज भी जो वो बेटी है उसको ये महसूस ही नहीं होने दिया कि तेरा भाई नहीं है। उससे जो एक मतलब आम हम बात देखते हैं उससे बढ़कर बात जो भर के है, और पूरा गांव एक साथ एकजुटता के साथ पहुंचा है, उसके लिए गांव का आज नाम रोशन हो रहा है, पूरे दुनिया के अंदर उनका एक अच्छा मैसेज गया। सर एक और ये बात है कि जैसे जब गाँव वाले वहां पर पहुंचे तो मतलब जैसी उसको उम्मीद नहीं थी, जैसे हम वहाँ भी जाके आए हैं तो कह रहे थे मैंने सोचा था कि 10-12 आदमी आ जाएंगे, लेकिन मेरे को ये उम्मीद नहीं थी कि पूरा गांव ही आ जाएगा, और पूरे गांव ने मेरे को पैसों की बरसात कर दी। नहीं खुशी मिल रही है कि मैं ये नहीं समझ रही हूँ कि मेरे कोई भाई नहीं है, मेरे गाँव वाले ही मेरे परिवार है, मेरे भाई है। देखिए जो बोलते हैं ना गाँव राम होता है, असल में वो हमारे इस बात की वजह से एक साबित भी हुआ है कि गाँव राम होता है। और दूसरी बात कि हमारा जो हिंदू धर्म है, इस धर्म में यहाँ पे ये संस्कृति, और जिस संस्कृति में सभी बड़े पले हैं उनको यही सिखाया जाता है यहाँ पे कि एक जो इंसानियत और एक जो ये मर्यादा जो हमारी बनी हुई है उसको बरकरार रखते हुए। और आप बोल रहे हो कि उनको पता नहीं था, सही में उनको ये नहीं लग रहा था कि इतने लोग आएंगे, पर गांव के अंदर एक छोटी सी चिंगारी से एक पूरा एक सैलाब बन के वहाँ पे लोग पहुँचे कि उन्होंने गांव अपने स्तर पे जो किसी ने 200 या 500 की नहीं, 1000-10000 जितनी उनकी श्रद्धा थी उस हिसाब से 10 लाख रुपए वहाँ पे जुटा के, और वहाँ पे नरसी से जो एक सतयुग में बाद उससे बढ़कर हम ये मानते हैं कि आज कलयुग के अंदर ऐसा भात भरा गया है, तो असल में वो सोचनीय है, और उसे हर गांव को और पूरी दुनिया को ये प्रेरणा लोग लेंगे कि ऐसा असल में होना चाहिए और आज भी इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए। अच्छा जी, तो सर जब गांव वाले यहां से इकट्ठा हो रहे थे जाने के लिए तो क्या मन में था भाई कैसे क्या करना है, क्या प्लान करना है, कितने लोग पहुंचेंगे, क्या कुछ दे के आना है, कुछ ऐसा भी सो कोई प्लान बनाया गया था? देखिए जब वो हमारी जो यहाँ पे बहन यहाँ पे आई, यहाँ पे उनके समाज के लोग थोड़ा बहुत इकट्ठे हुए, यहाँ पे जो उनका भाई था वो मंदिर में मतलब सेवा करता था और उनके यहीं पास में समाधि बनी हुई है, तो वहाँ पे भी वो आई, तो हमारे क्या है कि उनका जो हम उनको मानते भी हैं भगत के रूप में, लोग मानते भी हैं, आस्था भी है, तो लोग धीरे धीरे इकट्ठा हुए, यहाँ से जुड़ना इकट्ठा हुए, थोड़ा बहुत चंदा किया, 2 लाख रुपए हुए, 3 लाख रुपए हुए, और जैसे जैसे गाँव को पता चला तो सब लोग मतलब पूरा गांव एकत्रित होकर जितना भी जुटा पाए उतना पैसा जुटा के और हम वहाँ पे पहुँचे। जैसे जब तिलक करते हैं जहाँ पर मिणते हैं जैसे कहते हैं, बहन अपने भाइयों को मिणती है, उस मिणती के समय में मतलब
तिलक तिलक लगाने के बाद भी बिल्कुल थक चुके थे भाई, इतने लोग पहुंच गए थे बस, जैसे पूरी प्रोसेस करेंगे तो पूरा दिन लग जाता, तिलक तिलक लगाने में ही पूरा टाइम लग गया था। देखो एक तो उस बहन को वहां पे पहले तो ये दुख था कि तेरा भाई नहीं है, कोई आएगा या कोई नहीं आएगा, पर एक इतने लोग पहुंचे तो वो उस खुशी के उसके आंसू भी थे, वो गदगद भी हो गई थी कि इतने मेरा गांव एकजुट होके आया है। और उसके बाद में आज हम देख रहे हैं वो हमारा सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा फैला कि उसके बाद में दो तीन और भी ऐसी खबरें आई है कि वो लोग गांव के लोग जाके किसी के भाई नहीं उनका भात भर के आ रहे, वो धन्यवाद के पात्र भी है, पर एक पूरा गाँव जाना वो बहुत बड़ी बात। बिल्कुल, तो इस गाँव की एक मिसाल दी जा रही है और आप देख सकते हैं पहले सतयुग था और अब कलयुग है। कलयुग में ऐसा किसी व्यक्ति ने नहीं सोचा था कि किसी गांव में ऐसा हो सकता है कि पूरा का पूरा गांव भात भरने के लिए जाए और नरसिंह के भात की याद ही दिलाए। तो ऐसे में अब कलयुग में नरसिंह के भात की दोबारा याद दिलाई है निठराना के लोगों ने, निठराना के गाँव के सभी बच्चे से लेकर बूढ़े तक ने, सभी ने सहयोग कर जो मीरा थी उसका भात भरा है। और आज ये भी गौरव महसूस कर रहे हैं कि उनका नाम, उनके गांव का नाम बड़ा रोशन हुआ है। और ऐसा एक संदेश दूसरे गाँव के लिए भी है, जिस गाँव में जिसका भाई नहीं है, परिवार नहीं है, वो ये ना समझे कि उसका कोई नहीं है, उसका गाम राम ही उसका भाई है, जैसा निठराना के लोगों ने एक कमाल एक मिसाल पेश की है। देखिए हमारे एक सबसे बड़ी बात और भी है कि पहले हमें बताना पड़ता था कि हम निठराना गांव से हैं, भादरा तहसील गोगामेडी के पास में पड़ता है, हनुमानगढ़ जिला राजस्थान के हम रहने वाले, पर हमें ये लग रहा है कि आज के बाद में अगर कहीं पर निठराना गाँव का अगर उदाहरण दिया जाए दुनिया के देश के कोई भी कोने में जाकर, हम ये कह सकते हैं कि हम भात वाले निठराना गांव से हैं, तो हमें पूरी देश, पूरा देश हमें इस नाम से भी जानेगा, ये उम्मीद भी है और लोगों तक तो ये बात पहुंची भी है। जैसे नरसी के भात से जाना गया था पहला, नरसी का भात और अब निठराना भात, यानी कि दो भात हो गए जी, तो एक मिसाल तो कायम हुई है जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या होता है कि गाँव के अंदर, तहसील के अंदर राजनीतिक पार्टियां भी होती है, लोग चुनाव भी लड़ते हैं, सारा काम होता है, पर यहाँ पे सबसे बड़ा एक संदेश ये गया कि सभी एक अपनी मानसिक आस्था के साथ और अपना एक धर्म बांधते हुए पूरा का पूरा गांव एकजुट होकर वहां पे भात भरने के लिए गया। बिल्कुल सही बात है भाई साहब की। एक बात और भी, जैसे आप हरियाणा से चल के इतनी न्यूज आई है, 200 किलोमीटर से आए हैं, आपको नहीं पहले शायद नहीं पता होगा कि आप नेठाना गांव वहां पे कोई है, हमारा ये गांव की एकता और ये काम, ये जो भात का जो ये काम किया है, ये आपको यहाँ तक खींच के भी लेके आए, और आपकी इस चैनल से और जितने भी आपके श्रोता देख रहे हैं उनसे हम यही उम्मीद और अपील करते हैं कि कहीं पे भी कोई भी बहन, अगर ऐसे आपको लगे कि उसके भाई नहीं है, वो बहन निश्चित रहे इस दुनिया के अंदर, इस संस्कृति के अंदर, हमारी जो प्राचीन काल की जो चली आ रही वो आज भी जिंदा है और आगे भी जिंदा रहेगी, और कोई बहन को निराश होने की जरूरत नहीं है, ये काम हम सब मिलके करना है। बिल्कुल, तो भाई जब सूचना मिली जब तक चली गई थी वो मीरा, वो चले गई, उसको पता नहीं था, वो पता नहीं था उसको। अच्छा फिर गाँव वालों ने क्या फैसला किया? महाराज जी यहाँ रहते हैं अभी, तो उनको पता नहीं था। अच्छी बहन को जो मीरा गांव वाले, हमने श्रद्धा स्वरूप जो गांव के अंदर है ना, सभी हाँ सभी ने, सभी ने दिया, सभी कोई ने एक नहीं है, एक नहीं, पूरे गांव जुड़ के इकट्ठा होके पूरा गांव है, पूरा साथ दिया है। अच्छा गांव के पास आए थे, गांव के लोगों के पास आए? मैं तो आके हूँ साहब, एक सारा गाँव को शोक है, सगे पंजाबी बाबा को डेरो है, बड़े साथ दिए है भगवान में। एक दाद दी जा रही है आपके गाँव को की कैसा भात भरा है, नरसिंह के भात को याद दिलाया है। पहले तो चर्चा थी की नरसिंह ने कोई भात भरा है, अभी पूरे एरिया में यही चर्चा हो रही है, भी नेठरा गांव ने एक बात भरा है, ऐसा सभी करें। अच्छा जी, तो संदेश क्या होता है कि मैसेज समाज को पीढ़ी मिलेगी, नए जवानों को ये सूचना मिलेगी आगे से आगे, फिर क्या है कि ये काम बहुत बढ़िया है, हमारे को संदेश दिया है, गांव वालों ने दिया है, मालिक ने भी दिया है। तो आपने भी नरसिंह का भात सुना हुआ जी? तकड़ो माना। तो जब आप इकट्ठे हुए तो क्या मन में आया आपके? मन में तो भावना होगी कभी अपन लगावा कोई उधार। अच्छा पूरा गांव इकट्ठा था जी? पूरा गांव अजिया सब बड़ी काम सुनो करिए, बहुत खुशी है अच्छा, मैं रवि बाबा की आज काम बड़ी सुनो कर दियो, आगे भी माले भारत मत से मुड़ने भी फिर भी खुशी है हमारे। अच्छा मुड़ना होगी तब भी? बहुत खुशी हमारे आज हुआ, ठीक है बिल्कुल सर सर बात चल रहे इसी गाँव से। तो आपके गाँव का नाम और सोशल मीडिया पे लगातार वायरल है कि नेठराना के लोगों ने नरसिंह के भात को याद दिलाया जी, बड़ो बढ़िया काम करियो, गाँव वासियों सारा ने मिल गए, भाई आई समाधि का तिलक करियो, बाद में महात्मा जी रहते हैं, हमारे महंत जी रहते हैं पंजाब कुटिया पर, उसने इनमें सूचना दी कहीं तेरी एक भाई आ रही है, फिर सारा ने पतो पड़ गयो, भाई चली गई, बाद में ऑटोमेटिक सारा श्रद्धा जो होगी, बाद में
कोई सूट दिया कहीं पैसे दिए सदा सारू कहीं 51,000 रुपए दिए कहीं 21,000 रुपए दिए कहीं गाड़ी फ्री खाली। आपने आपने कभी पहले सोचा था भी ऐसा भी कुछ नहीं सोचा पहले भाई ऐसा बतवाला नहीं नहीं आपके गांव में ऐसा होगा नहीं कौन सोचा पहले ऐसे कोई बात भरिया गया नहीं नहीं कौन पहले बात था ये और नरसी की दुनिया भर दिया क्या बात है कैसा लगा आपके गाँव का नाम और समाज में आने वाली पीढ़ी उसको क्या संदेश देना चाहेंगे जिस बहन का भाई नहीं है दूसरे गाँव उससे क्या सीखे बात बढ़ने से सहायता करनी चाहिए हर गांव में देख के कहीं ना कहीं जिसका भाई नहीं होता वो कहीं ना कहीं ये समझे कि गांव राम ही मेरा भाई है जिस प्रकार से निठराना के लोगों ने समझा बात करो। हाँ जी बहुत बढ़िया बात थी भाई साहब क्या नाम था आपका मैं सर मोनू तोमर पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि बिल्कुल तो भाई हम जब यहाँ आए थे तो थोड़ी लैंग्वेज में हमें दिक्कत आ रही थी लेकिन भाई साहब से बात करके मुझे अच्छा लगा और सभी दर्शकों को ये जो भाषा है वो समझ भी आ जाएगी क्योंकि कई बार हरियाणा और थोड़ा राजस्थान में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है भाषा में लेकिन भाई साहब ने सुनहरे और अच्छे शब्दों में बता भी दिया है किस प्रकार से काम करना चाहिए और कैसे गांव निठराना के लोगों ने काम करके दिखाया है। तो आप सभी यहां पर देख सकते हैं जो हमारे सभी चैनल यहां पर पहुंचे हैं तो इसी कवरेज के लिए पहुंचे थे क्योंकि नरसी का भात की याद दिलाई गई तो इसलिए हम पहुंच गए थे निठराना गाँव जो हमारे शहर से 200 किलोमीटर पड़ता है हरियाणा में वहाँ से आए हैं और ये इसीलिए आए हैं कि दूसरे गाँव भी यहाँ से मैसेज ले सके और भी कोई तीसरा भात भर सके। बने रहिए एनजी न्यूज के साथ खोजे हरियाणा बेस्ट हरियाणा स्पेशल हरियाणा सभी के साथ धन्यवाद।